अस्पताल में एडमिट हो जाने तक
बगैर देखेगा आपके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं क्या वो मेरा दोस्त मोबाइल के नुकसान से बच जाए। योर ऑनर, घर के बूढ़े लोग भी किसी से कम नहीं, अपनी जवानी को देखने के और सुनने के बहाने से मजा लेते हैं। घर वाले का भी शादी ब्याह या मौत मैयत में चले गए तो ये बूढ़े लोग हिंदी पिक्चरों में लगे रहते हैं। योर ऑनर, मैं अपनी बात को साबित करने के लिए गवाह पेश करना चाहता हूँ। आपकी बीबी मुलजिम नंबर 5 हाजिर हो। भगा दिया। योर ऑनर, ये मुलजिम सेल्फी और वीडियो का बहुत ही शौकीन है, चाहे कोई तकलीफ में हो ये वीडियो लेना शुरू कर देता है। इसी तरह किसी के भी साथ अपनी सेल्फी लेता रहता है। इसी पर बस वही बल्कि उन्हें फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपलोड करके वक्तन फक्तन लाइक और कमेंट करने वालों को देता है। योर ऑनर, मैं अपनी बात साबित करने के लिए गवाह पेश करना चाहता हूँ जो इनके खिलाफ गवाही देने के लिए बेचैन बैठा हुआ है। जी इजाजत है, आइए और गवाही दीजिए। जी दादा, यह बंदा कल मुझे स्टेशन पे मिला था। यह बात बता रहा था कि मेरे फोटो पर इतने लोगों ने लाइक किया और इतनों ने शेयर किया और इतनों ने कमेंट किया। जब कहा ये सरासर झूठ है झूठ, मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, इसमें कौन सा झूठ है। वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है, इन्हें अदालत में क्यों पेश नहीं कर रही है। दरअसल जनाब आला, लॉ एंड ऑर्डर पर खतरा होने का सबक ऐसा नहीं किया गया, लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि इस कोर्ट व अदालत में वो सब मौजूद है। अगर आप जरा गौर से देखो तो अभी भी वो सब अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं। मोहतरम जज साहब, खवातीन और बच्चे भी इस मुकदमे की सुनवाई के लिए आए हैं और अभी भी मोबाइल नहीं छूट रहे, तो वाला इन सबको कैसे हाजिर किया जाता। लेकिन हमने भी इन्हें मदरसा मोहम्मदिया के जलसे के बहाने यहाँ जनरल कॉलोनी में जमा कर लिया ताकि ये सब मोबाइल की खराबी का अंदाजा लगा सके, समझ जाए और होशियार हो जाए। तमाम बयान और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। तमाम मुजरिमों के संगीन जुर्म की वजह से कलम 203 तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के सजाए मुशक्कत सुनाती है ताकि इस बेताकी आदत से छुटकारा पा सके। और अदालत के पाली के हर वासी को जमा देती है कि मोबाइल एक जरूरत है और उसे जरूरत का इस्तेमाल किया जाए। जैसे इंसान टॉयलेट में जाता है अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, आदत पूरी हो जाती है तो फौरन निकल जाता है ना कि बैठा रहता है, बिल्कुल इसी तरह मोबाइल को जरूरत बनाकर रखे। मोबाइल के जिस कदर मोबाइल उससे कई ज़्यादा नुकसान भी है, लिहाजा अपने अपने मोबाइल को छोड़ कर तो देखो जिंदगी में सुकून ही सुकून नजर आएगा। और अदालत ये भी सजा देती है कि माशाल्लाह।